दूबो कितनी ही अच्छा लग रहा है बहुत से करके खा लो नहीं बोल रहा जय मसी की दोस्तों। सुबह के सुंदर सुबह में तो हम लोग उठ चुके हैं, सुबह का बज चुका है 9:30। हम लोग उठ चुके थे 8 बजे ही और हम लोग गए थे, थोड़ा सा एक बेबी है उनका मतलब गैस प्रॉब्लम था, तो ये सुई हुई देने गई थी, इंजेक्शन सब दवाई सब देने गई थी, तो हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से दवाई लिए, उसके बाद उसका घर गए, सामने ही था 1.5 किलोमीटर है। तो हम लोग फाइनली अभी आ गए हैं और हम लोग खाना पीना बनाना चालू कर रहे हैं अभी, क्योंकि उधर ही हम लोग को 1.5 घंटा लग गया। तो देख सकते हैं फिर से हम लोग करील बना रहे हैं, भुजिया बना रही है, इधर खाना चढ़ चुका है और इधर मूली साग भी बनाएगी, मूली साग भी बना रही है और कुछ बना रही है आइटम, क्योंकि हो सकता है हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे और इसका कुछ काम था, हम लोग घर जाने के लिए प्लान कर रहे हैं लेकिन मतलब कुछ ना कुछ काम आ ही जा रहा है, तो कल हम लोग घर निकलेंगे। और मतलब हम लोग का बनारस जाने का प्लान था लेकिन इसका मूड के ऊपर है, इसका मूड बदलता है, मतलब थोड़ी थोड़ी देरी में चेंज होता है, मुस्कुरा रही है और हम लोग जा नहीं पाए, मतलब प्लान बनाए थे कि एक बार चेकअप के लिए जाएंगे, तो कभी देखते हैं इससे अगर होगा तो समय मिलेगा तो चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर जाने से अपॉइंटमेंट खाली डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने के लिए ही एक बार जाना पड़ेगा, फिर दूसरी बार जब अपॉइंटमेंट मिलेगा 15 तारीख को फिर उसके बाद जाना पड़ेगा, तो 2 बार हम लोग को जाना पड़ेगा, देखते हैं। इसमें सुरेंद्र भैया जी आ चुके, अभी हम लोग खाना खाएंगे, हम लोग का खाना पीना भी बन चुका है, सो हम लोग का भुंजिया बन चुका है और खाना भी बन चुका है, चल गया और खांसी हो रहा है, हमको खांसी पकड़ दिया है, हम लोग का खाना निकल रहा है, खा लिए और ये अभी जा रही है हॉस्पिटल CS के पास, कुछ काम है और अभी हम लोग रहेंगे घर पर। मस्त दिख रही है जोगर्स बाबू, चला है 3:30 बजने जा रहा है और यह गहरी नींद में सो रही है, गहरी पर तो बहुत ही गहरी और लाइट नहीं है और मेरा बैटरी 12% है, चार्ज नहीं किया हूँ और देख सकते हैं बारिश दे रहा है। पूरा बारिश दे रहा है गढ़वा में, धूप भी किया है, अच्छा वाला आज इसका नाइट ड्यूटी है इसीलिए दिन में फ़ायदा उठा रही है, सो रही है, पंखा का मज़ा ले रही है। तो शाम हो चुका है, शाम का बज चुका है 7:30 और अंधेरा हो चुका है और आज हम लोग लाए हैं मटन, देख सकते हैं आज लाए हैं मटन और मटन बना रहे हैं, कल जा रहे तो आखिरी सुरेंद्र भैया का दांत जो है हिल रहा है जगह का, तो डेंटल को दिखाने गए थे, दवाई ववाई दिए हैं, इतना देख सकते हैं दवाई सब दिया है 1300-1400 का। सो धोवा के आ गए हम लोग का मटन, घर दांत दर्द से परेशान, तो हमारा कुक पहुंच चुकी है और मटन मैं नहीं बनाता हूँ, ये बनाती है, ये बढ़िया बनाती है, मैं चिकन और मच्छी अच्छा बनाता हूँ, तो ये आज मटन बनाएगी। डोसा टोली कह के क्या टोली? जलदेगा डोसा टोली, जलदेगा डोसा टोली का है पता नहीं कौन देश में पड़ता है ये गांव, लेकिन वो यही का है। हेलो लेने गया था सौंफ जो अचार में डालने के लिए ये मांग रही है और मैं अभी रोड में हूँ, सामने ही दुकान था तो गया था और इस जगह में सब पानी भर गया है बहुत भयंकर।
सो हमको लाज नहीं लगा इसको लाने में। तो लाइट चल गया हम लोग का और अभी ये अंधेरे में बना रही है। ये पंखा का लाइट चल रहा है और ये उधर मसाला भूंज रही है, थी का अचार का मसाला भूंज रही है, इधर चिकन, इधर मटन बन रहा है। पहाड़े उठा ले आओ। फाइनली हम लोग का घर में मेहमान आया था, खा के चल गए और ये दोनों अभी खा रहे हैं। हम लोग भी खा लिए और ये दे कैसा लग रहा है बताओ। सुबह बोले कि ज्यादा है, कैसा लग रहा है ये टकली? कैसा लग रहा है? तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, खा रहे नहीं है। खा के देखो एक बार। अरे बाप रे, मैं आ गया, पहुंचाने गया था सकीता सबको और मैं फिर उसी गली में आ गया। सो फाइनली हम लोग का खाना पीना हो गया। आज मटन बहुत ही अच्छा बना था, अच्छा लगा। और फाइनली टाइम हो चुका है 10:30 और अभी सोने का टाइम है। तो सब कुछ हो गया दिन भर का आपने देखा। तो आज यही एंड करता हूँ वीडियो को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को जय मसीह की, प्रेस गॉड, जय हिंद। तो चेहरा नहीं दिखा रही है, मेरा कैमरा में चेहरा दिखाने नहीं दे रही, ऐसे लंजर लंजर डाल रही है।